अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मसाला भिंडी। तो आइए इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हाफ के जी भिंडी है, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और ना क्या बोलते हैं इसके किनारे कर लिए हैं कट। और ये है एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने ना पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ये भी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, इसके साथ मैंने दो अदद हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लिया है। बाकी ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आधी समझो 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून है ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये 1/2 टेबल स्पून है साबुत धनिया, और ये 1/2 टेबल स्पून है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा। चले आए बनाना शुरू करते हैं मसाला भिंडी। तो ये देखिए आप, ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने डाल दिया ऑयल, 2 टेबल स्पून डाला है ऑयल। ऑयल पैन हमने गरम कर लिया था थोड़ा सा। अब हम इसमें जो हमारी भिंडियाँ थी ना कटी हुई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक के ये भिंडियाँ थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती तब तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये देखिए डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम, तो ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसी ऑयल में डाल देंगे ये प्याज, ये जो हमने पीस के रखी थी प्याज, ये हम डाल देंगे। इसको चलाएंगे और इसको तकरीबन थोड़ा सा हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए आप, प्याज हमारी तकरीबन ये देखें कलर चेंज हो गया इसका। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने पीसी थी, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें जाएगा। ये है ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ, ये डाल देंगे। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको तक ना छोड़ देंगे ये मसाला, जब तक हमारा भुनता है ना, जब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए आप, ये मसाला हमारा देखें भुन चुका है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसमें ये जो हमने भिंडियाँ फ्राई की थी ये डाल देंगे। ये भिंडियाँ इसमें हमने डाल दी, अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा अच्छी तरह से देखें हमने भिंडियों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कर देंगे कवर, इसको कवर कर देंगे हम। ये देखिए, और तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिए, चेक करते हैं, ये देखिए कि हमारी मसाला भिंडियाँ जो हैं वो कैसी बनी है। ये देखिए हमारी भिंडियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी बनी है। ये देखें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हल्का सा, ये देखें ये गरम मसाला है, बिल्कुल ज़रा सा मामूली सा खुशबू के लिए हमने इसमें डाल दिया है, सही है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें मिक्स करने के बाद चूल्हा कर देंगे अब बंद। ये देखिए अब हम इसे निकालेंगे डिश में, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
देखिए ये मज़ेदार सी मसाला भिंडी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी। ये देखिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी भी मसाला भिंडी बनके कैसी तैयार हुई हो। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।